corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, class, arts and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, class, environment, development, corruption. ये दिल्ली का पुल मिठाई का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर गरीब और बेघर लोग रहते हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सरकार ने इन लोगों को रेशन कार्ड देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 2 साल बाद भी इन लोगों को रेशन कार्ड नहीं मिला है। आइए हम पूनम जी से बात करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं कि ये रेशन कार्ड उन लोगों को क्यों नहीं मिला और उसके पीछे क्या वजह थी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम पूनम है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली में 20-25 साल से रहती आ रही हूँ लगातार, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है अभी तक। ये सरकार ने रेशन कार्ड के कुछ फॉर्म भरे थे 2 साल पहले, उसके बारे में कुछ बताया आपको? हाँ, 2 साल पहले कुछ लोग आए थे सरकार की तरफ से, उन्होंने फॉर्म भरा और अभी तक पता नहीं है कुछ कि राशन कार्ड बने या नहीं बने, खबर नहीं मिली अभी तक। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको राशन कार्ड बनेगा? उम्मीद है राशन कार्ड मिलने की? देखो, उम्मीद तो पूरी रखे हुए हैं कि बनेगा राशन कार्ड और मिलेगा भी, लेकिन दे नहीं रहे हैं सरकार, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे सरकार। और 15-20 साल से रहते हुए आए हैं तो अब देना तो चाहिए सरकार को। ये आगे की भागा दौड़ी होता है बार बार, यहाँ कुछ हल नहीं हो रहा है। एक लोकल एनजीओ के माध्यम से सरकार ने ये रेशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया था। अभी हम एक लोकल एनजीओ एक्टिव से बात करते हैं कि ये कार्ड अभी तक क्यों नहीं बने। मुझे अपने 2 साल पहले सरकार के साथ मिलके आपके एनजीओ ने रेशन कार्ड के फॉर्म भरे थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? 2 साल पहले सरकार की तरफ से राशन कार्ड भरने का तो मिला था, ऑर्डर आया था कुछ लोग भरने के लिए भी, और हम लोग सभी मिलकर मदद किए थे तो, लेकिन अभी तक कोई राशन कार्ड हम लोग को मिला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अब मिलेंगे चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को राशन कार्ड मिला नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार क्यों राशन कार्ड नहीं बांट रही है? पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या है, कभी कहता है कि राशन कार्ड दे दो, लेकिन हम लोग इतना दौड़ रहे इधर इधर जा रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपके एनजीओ को उम्मीद है कि सरकार राशन कार्ड बांटेगी बेघर लोगों को? एनजीओ तो लगातार कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की मर्जी है। सरकार तो ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो लिखा पढ़ी कागज में दबे रह जाते हैं, दब रहे हैं। 2-2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं अब्दुल शकील, कम्युनिटी कॉरेस्पॉन्डेंट, इंडिया अनहर्ड के लिए, फूल मिठाई, सदर बाजार से।